जिस पर दुनिया रौब न जमा सके, लेकिन वो भारत के दमखम से दुनिया को परिचित करवाए। इसलिए जब आप जौनपुर से हमारे कृपाशंकर जी को वोट देते हैं, मछली शहर से बीपी सरोजी को वोट देते हैं, तो आपका वोट दमदार सरकार बनाता है। आप इनको जो वोट देंगे, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बैठिए भैया, बैठिए सरोजी। और दमदार सरकार कैसे काम करती है, ये आपने काशी में देखा है, ये आप अयोध्या में होते देख रहे हैं। पहले लोग विकास की बातें करते थे तो चर्चा कभी दिल्ली की होती थी, कभी मुंबई की होती थी। अब देश और दुनिया काशी की भी चर्चा करता है, अयोध्या की भी चर्चा करता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, उसमें भी मैं देख रहा हूं चारों तरफ मुझे माताएं बहने के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहने इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रही है, उसका नेतृत्व कर रही है। और आपके आशीर्वाद जीवन में और क्या चाहिए मां बहने, आपका आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। साथियों, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है, और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा, पूर्वी भारत होगा। इसलिए जब मैं एक्सप्रेस वे बनाता हूं तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है, जब मैं बनारस के हवाई अड्डे को अपग्रेड करता हूं तो भी यहां के लोगों को फायदा होता है। ये पूरा क्षेत्र हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा मजबूत हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। साथियों, जौनपुर को देश को आईएएस आईपीएस देने वाला जिला है। एनडीए सरकार परीक्षा लेते लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। पहले केंद्र सरकार के ग्रुप सी डी की भर्तियों में इंटरव्यू होते थे, मोदी ने खत्म कर दिया ताकि युवाओं को बेवजह की परेशानी ना हो, पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बड़ा फैसला लिया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है तभी उसको आगे जाने का कोई खिड़की खुलती है। अब मुझे बताइए भाई, ये गरीब मां का बेटा, गरीब मां की बेटी, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने कहां जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे कहां से लाएगी? तो क्या मेरा दलित का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या, मेरे पिछड़े का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और इतने भाइयों बहनों, मैंने तय कर लिया अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपने गांव की भाषा में पढ़कर के आएंगे तो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब मां की बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। अब हमने हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में परीक्षा, ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसका भी विरोध करते हैं, ये लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। साथियों, भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है, उनके लिए काम करती है। ये भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया, हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून की मोदी सरकार ने बनाया है। ये हमारी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हम रिकॉर्ड संख्या में आईआईटी आईआईएम एम्स बना रहे हैं, और इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल